बेटा आपको नहीं पूछता है, बेटा बंबई में शिफ्ट हो गया है परिवार के साथ में, आपको नहीं पूछता है? नहीं, कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है ना। वो हमको जानता है जो कहाँ है, हम जानते हैं जो कहाँ है। साल से बेचाता नहीं? बहुत दिन से बेचा है, लगभग 10 से ऊपर, 10 बरिस से ऊपर से आइसक्रीम बेचाता नहीं। मजबूरी है तभी तो, मजबूरी में चल रहा है, खुशियार में थोड़े चल रहा है। अगर मजबूरी ना रही तो ठेला ना चलेते रहो। चाहे नहीं कि बेटा फोन करो हमरा लगे? ना, हम नहीं चाहते, उससे नफरत कर लिए हैं तो हम कैसे कहें? ऊपर बात नहीं होती है, कुछ नहीं, बेटा फोन ही नहीं करता है ना, किसी से केहू से मतलब नहीं है। क्यों से मतलब नहीं है? पत्नी मानी कि ना रहो? नहीं, पत्नी नहीं थी। कितना साल पहले पत्नी छोड़ के चल गई? बहुत दिन हो गया। एक दिन में कितना कमा लेते हैं चाचा आइसक्रीम से? ऐसे कोई ठिकाना नहीं है, 300 से 600 रुपया तक ले, 300, 400, 500, 600 कमा लेते हैं। बात के नफरत बाबा बताएं कुछ। शादी अपने मन से कर लिया तो हम कैसे पूछेंगे? शादी अपने मन से कर लिया, इसी बात का नफरत है आपको? सर हम बने अमरजीत कुमार गिरी, रहुआ देखा तनी भोजपुरिया झकोरा, भोजपुरिया झकोरा लगातार फील्ड में बानी सन और काम करते सन, तरह तरह के न्यूज दिखावे का प्रयास करते सन। आज हम बानी गोपालगंज जिला के कटिया थाना क्षेत्र के कटिया बाजार के नजदीक हमी के नेवरी में बनी सन, और एगो 55 साल के चाचा आइसक्रीम बेचता नहीं है कि अचानक नजर आ गई है, सोचनी है कि चाचा से हमने के बात कर जा कि 55 साल की उम्र में चाचा आइसक्रीम बेचता नहीं। जब चाचा से हमने के बात करे लगनी है सन तो चाचा बतौनी है कि एगो बेटा बाड़े और बेटा अपने से शादी कह के मुंबई में शिफ्ट हो गए बड़े, बेटी हमारा नहीं खे और हमारे पत्नी भी नहीं खी, ऐसे अब घर ना जाइले, घर हमारे उत्तर प्रदेश के दुदई में पड़ी, लेकिन दुदई हम ना जाइले, गाँव ना जाइले, जिंदगी जैसे भी बा कटता आइसक्रीम बेच के, कबो 300 कमाई ले, कबो 400 कमाई ले, कबो 500 कमाई ले, कबो 600 भी हो जाला। चाचा से चाचा के संघर्ष से कहानी हमने के जानम सन। चाचा पूरा नाम राउर का पड़ी? हाफी अंसारी। हाफी अंसारी, तो चाचा राउर मने आइसक्रीम रो बेचता नहीं, कितना साल से बेचता नहीं? बहुत दिन से बेचा है, लगभग 10 से ऊपर, 10 बरिस से ऊपर से आइसक्रीम बेचता नहीं। अच्छा, तो चाचा ये आइसक्रीम बेचे के माने नौबत काहे आइल, के माने आइसक्रीम बेचे के दिमाग में कैसे आइल? दिमाग में बेचे के धंधा बनावल गए, धंधा बन गया बस। कहलो कि हाँ अब कमाई जाओ ना तो केंगा का खर्चा चली, हैं? हाँ, कमाई जाए तो खर्चा चली, ना कमाई जाए तो खर्चा कैसे चली? कौ जाना बेटा बड़ा है? एक जाना, एक जाना बेटा बड़ा है, तो बेटा से कौन मतलब ना रहेला? ना, किसी से केहू से मतलब नहीं है। तो केहू से मतलब नहीं है, अकेले बने रहो? अकेले हम अपना कमाते हैं खाते हैं आराम से है, अकेले कमाते हैं खाते हैं बस। पत्नी बानी के ना रहो? नहीं, पत्नी नहीं थी। कितना साल पहले पत्नी छोड़ के चल गई? बहुत दिन हो गया, बहुत पहले, बहुत पहले ही पत्नी छोड़ कर चली गई, तो अब अकेले जीवन कट रहा है? संतोष हो गया, बात खत्म, और क्या। किस बात का संतोष हो गया आपको? हर बात के लिए संतोष, दुख नहीं है? दुख नहीं है। आपको दुख नहीं है? ना। बेटा आपको नहीं पूछता है? बेटा बम्बई में शिफ्ट हो गया है परिवार के साथ में, आपको नहीं पूछता है? नहीं, कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। तो बेटा का शादी आप किए कि वो अपने से कर लिया? वो अपना किया। कहाँ पर शादी किया वो? अब ये इसके हमके कहा मालूम नहीं, कहाँ किया, मैंने वो शादी कर लिया है, कर लिया। बाल बच्चे हैं उसके? अब ये भी पता नहीं। फोन पर बात नहीं होती है? कुछ नहीं, बेटा फोन ही नहीं करता है ना। देखिए बड़ा दुर्भाग्य बात कि हमने के हमेशा चिलानी सन की बेटा 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 चिलानी सन, लोग कहते कि बेटी नीमन नहीं के, बेटे चाहे बेटा हो तो कमा के खियाई, लेकिन आज दुर्भाग्य बात कि एगो बेटा रहो वो बेटा अपने से शादी करके बम्बई में शिफ्ट हो गई, लोग पूछत नहीं के, फोन नहीं के करत, तो का बेटा बेटा लोग चिल्लाता का है खातिर? कौन जरूरत है, बेटा और बेटी सब लोग बर्बाद है, छाती में भारी दुख बांटेगा। देखिए चाचा भाग हो गए बने, चाचा भाग बने, एक मिनट चाचा, एक मिनट, चाचा के आँख में आंसू बा और चाचा भाग बने करकटहाँ एगो पंचायत बा कटिया के बगल में, वो जी के सरपंच पति हमारे साथ में बनी रामकिशोर राम जी, बड़ा दुर्भाग्य बाज हम के बेटा बेटा चिल्लाता नहीं सौन, आ देखिए कि बाबा बानी एगो बेटा, आप फोन करके हाल चाल भी निकलत बाबा से का कहें? तो का कहल जाए संसार के या समाज के लोग के, बेटा बेटा आदमी कहा था कि बेटा हुई तो बहुत सुख मिली, हाँ आज देखिए बेटा होते हुए भी इनको कितना कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। हमारे चाचा की आँखों में आंसू, 55 साल की दशा दुख देख कर मुझे भी बहुत कुछ। देखिए सरपंच पति हैं ये रामकिशोर राम जी, और ये भी भावुक है, बोल रहे हैं कि चाचा के आँखों में आंसू देख कर हम भी भावुक हैं, और चाचा आइसक्रीम बेचते हैं। चाचा एक दिन में कितना कमा लेते हैं चाचा आइसक्रीम से? ऐसे कोई ठिकाना नहीं है, 300 से 600 रुपया तक ले, 300, 400, 500, 600 कमा लेते हैं बस।
तो ये चाचा खर्चा चल जाता होगा अपना एकदम। बाकी पैसा बचा कर कहाँ रखते हैं? बाकी पैसा बचा कर कहाँ रखते हैं? बैंक में रखेंगे, वो कहाँ रखेंगे? फिर वो बैंक का पैसा कौन यूज करेगा? मान के चलिए आप जब तक रहे हैं तब तक रहे, यूज जब ओसा समय आएगा तब निकाल देंगे अपन, तबीयत खराब होगा तो फिर से निकालेंगे। फिर अंतिम संस्कार कौन करेगा आपका? अंतिम संस्कार कैसे? मरने के बाद फिर जो करे वो देखे देखा जाता है जिसे करी के ना करी, माने धीरज बांध ले बनी छाती में रहुआ। हाँ, लोग के का कहें बाबा, जे लोग बेटा के चलते बेटी के मुआ देता, जे लोग कहता कि ना बेटे हमरा चाहें, वो लोग के का रुआ कहें? तो से एगो मैसेज एगो दी समाज में जे लोग धधाइल बा, वही कहे का बा, अरे जे धधाई वो पाई, हम तो पा गए, बाकी जे भी हुई वो ऐसा लड़का हुई तो। अच्छा 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 बाबा, मजबूरी है, मैंने रोबा ठेला चलाता नहीं। मजबूरी है तभी तो, मजबूरी में ठेला चल रहा है, खुशियार में थोड़े चल रहा है। अगर मजबूरी ना रही तो ठेला ना चलेती रोबा। 10 साल से ठेला चलाता नहीं? हाँ 10 साल से हो गया। क्या प्लानिंग कर ले बने, जब तक ले जी अब तब तक ठेला चली? हाँ एकदम छोड़े ना रोबा, छोड़े ना। बाबा बनिया के भावुक बने और ये आइसक्रीम के ठेला बा जौन की बाबा के हमने के अचानक नजर पड़ल हो तो सोचनी असन कि बाबा से बात कर लिया, बाबा के उम्र पूछा जाए कि बाबा की उम्र जौन बात देख के काफी ज्यादा लगा था। बाबा बताऊनी कि 55 साल, बाबा कितना उम्र बराबर? 55 साल बाबा के उम्र बा 55 साल और बाबा जौन बाकी आइसक्रीम के ठेला चलावता नहीं। बाबा के एगो बेटा बेटा छोड़ दिला बड़ा, पत्नी दुनिया में नहीं की बेटी नहीं की, ऐसे बाबा अपन घर द्वार छोड़ के गोपालगंज जिला के कटिया में शिफ्ट हो गई बनी और बाबा अपन आइसक्रीम बेच के खर्चा चलावता नहीं। जौन पैसा बचेला बाबा अपना बैंक में जमा करी ले और बाबा बतावता नहीं कि जब तक जीवन बा चली अंतिम संस्कार के करी पता नहीं खे, लेकिन भगवान के मर्जी बा चलता जैसे तैसे। देखिए कि कहाँ से कहाँ समाज पहुँचल बा और कहाँ से मतलब विकास के अंधी दौड़ में समाज कहाँ तक पहुँच गई बा कि एगो बेटा के अपना बाप के चिंता नहीं है। हालांकि रउआ चाहे नहीं कि बेटा फोन करो हमरा लगे, ना हम नहीं चाहते हैं, उससे नफरत कर लिए हैं तो हम कैसे कहेंगे? नफरत हो गई बा ओकरा से? हां एकदम नफरत है। माने कौना बात के नफरत बाबा बताएं कुछ? शादी अपने मन से कर लिया तो हम कैसे पूछेंगे? शादी अपने मन से कर लिया, इसी बात का नफरत है आपको? बहुत लंबा नफरत। अगर वो फोन करता है गलती अपनी माफी मांगता है तो माफ करेंगे उसको? नहीं नहीं कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं माफी नहीं देंगे उसको। का बेटा हमसे कोई बात नहीं होता है तो हम क्या प्रयास करेगा, ना वो हमको जानता है जो कहाँ है, ना हम जानते हैं जो कहाँ है, ना हम जानते हैं कि बेटा मेरा कहाँ है, ना बेटा जानता है कि हम कहाँ हैं। बेटा से बात नहीं करते हैं, बेटा से नफरत हो गया है क्योंकि बेटा अपने मर्जी से जाकर शादी कर लिया है। इकलौता बेटा था और इकलौता बेटा से बाप के बड़ा उम्मीद रहेला कि एगो बेटा बा कुछ करी बढ़िया करी, लेकिन बेटा देख सकता नहीं कि बाप के छोड़ के कहीं और शादी करके अपन धंधा में अपना काम में लागल बा और पिताजी 55 साल की उम्र में आइसक्रीम बेच के अपन जीवन यापन करता नहीं। देखो तो नहीं भोजप्रिया छकोरा, धन्यवाद प्रणाम।